आपका प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। अब जैसे देखिए, ईवीएस की बात हम कर रहे थे, वन टू फाइव, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 30 टोटल क्वेश्चन में आपको है ना, पंद्रह आपको क्या आ जाएगा सीडीपी, अब पंद्रह आपको सब्जेक्ट कंसर्न आपको क्वेश्चन रहता है। इसके लिए अब जैसे कुछ सीडीपी का मूल मूल तथ्य सब है, उस सब को याद रखिए। मूल तथ्य का क्या मतलब होता है, अब जैसे कि बच्चा एनवायरनमेंट में कैसे सीखता है, बच्चा अपने माँ बाप से कैसे सीखता है, बच्चे अपने घर में कैसे सीखता है, बच्चे अपने स्कूल में कैसे सीखता है, बच्चे अपने दोस्तों के साथ कैसे सीखता है। अगर बच्चा पर केवल केंद्र करके हम सारी बातें सोच ले तो शायद हमारा क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। तब बच्चा एक्चुअल में सीखता कैसे है इस वातावरण में, उन चीज़ों पर, बच्चे अपने समाज में कैसे सीखता है ना, बच्चा अगर कहीं जाता है तब कैसे सीखता है, भ्रमण पे ले जाइए, कोई रिलेटिव के यहाँ जग गया तो कहीं पर भी अगर बच्चा जाता है तो वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, सीख रहा है। अगर सीख रहा है तो उसका जरिया तो हम ही बनते हैं ना, अच्छा सिखाते हैं तो अच्छा सीखता है, बुरा सिखाते हैं बुरा सीखता है। तो कहने का मतलब इस 30 नंबर के लिए नेक्स्ट है कि बच्चों में कुछ बातों के प्रति क्या संवेदनशील, क्या कहता है, बच्चों में कुछ बातों के प्रति क्या करना है उसको, बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशील बनाना है। संवेदनशील का मतलब समझिए, कुछ बातों के प्रति संवेदनशील, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी बातों को विकसित करना है जिससे उसको अपने जीवन यापन में थोड़ा सा मदद मिल जाए, है ना। अब संवेदनशील का क्या मतलब, अब जैसे कि मान लीजिए कि हम बच्चे को चाहते हैं पढ़ा लिखा करके एक अच्छा एजुकेशन दे, है ना, तो उसको पढ़ाई के प्रति झुकाव रहना चाहिए ना। अब ये नहीं कि बच्चा मान लीजिए कि एक दिन जिद कर रहा है, या बच्चा स्कूल नहीं जाने की बात कर रहा है, या बहाना कर रहा है, तो हम उसकी बातें मान लेते हैं, है ना। कभी कभी ध्यान देना चाहिए बच्चे को दिक्कत है भी कि नहीं, है ना। लेकिन अगर हम हर बार उनकी बातों में आ जाएंगे तब दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे देखिए, स्कूल में भी इसके लिए क्या है कि सरकारी स्कूल में बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं है, है ना। लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों ने बहुत सारी व्यवस्था करके रखा हुआ है। अगर कोई छोटा बच्चा है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, जितना उसके घर पर व्यवस्था है उससे ज़्यादा व्यवस्था स्कूल में रखा हुआ है। बच्चा जाता है वहाँ पर, देखता है कि भाई इतना सारा कुछ, ये तो घर से बढ़िया है यहाँ, वो बच्चा जाना चाहेगा वहाँ, है ना। जैसे घर पे टीवी देखने से बच्चे को मना किया जाता है, स्कूल में स्पेशली टीवी बच्चे के लिए रखा हुआ रहता है, कार्टून वगैरह सब चला जाता है। छोटा बच्चा अगर रोता रहता है तो उसको मतलब से किसी भी तरह से उसको 4 घंटा 5 घंटा रखना है, क्योंकि ये 5 घंटा रखने का ही तो फी ले रहा है। और धीरे 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 बच्चा अगर रहने लगा तो समझ गए कि हो गया उसका काम, है ना। तो समझिए, तो यहाँ पर क्या कहता है, बच्चों को कुछ बातों के प्रति क्या करना, संवेदनशील बनाना। संवेदनशील का मतलब होता है उसके समझ को विकसित करना। उसके बाद में है, अब सर जिसमें कहता है
विकसित करने के लिए। अब सर किससे कहानियाँ और इस्तेमाल मतलब से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे बच्चे कहानी के पात्र के साथ अपने आप को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। कहने का मतलब समझिए कि कहानी का पात्र वो अपने आप को कैसे, अब जैसे कि मान लीजिए कछुआ खरगोश की कहानी हमने कल बताया है ना, जैसे कि मान लीजिए कि दो बिल्ली रहता है और एक बंदर रहता है उसकी कहानी, उस टाइप का बच्चा के सामने में अगर प्ले किया जाता है, जैसे प्राइवेट स्कूल में देखिएगा बच्चे सबको क्या किया जाता है, कॉस्ट्यूम पहरा देता है बंदर वाला और बिल्ली वाला है ना, कपड़ा पहरा दिया जाता है और उसके बाद उसको कहता है वैसे प्ले करने के लिए है ना, कि एक मतलब से बिल्ली होती है वो रोटी लेकर के भागता है, दूसरी बिल्ली भी उसके पीछे भागता है, वो कहता है कि नहीं हम ये आधा हिस्सा ले लेंगे, आधा हिस्सा आधा से मतलब से आधा आधा बांटने की बात होती है। वहाँ पर एक बंदर तराजू लेकर के आता है और वो दोनों को जोखते जोखते पूरा रोटी खा जाता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि मतलब से आपस में हमें लड़ना नहीं चाहिए, जो हमारे पास है उसको समझौता के साथ उसको बांट करके खाना चाहिए, नहीं तो इसका यूज कोई तीसरा कर लेगा है ना। तो ये है हमारी कहानी में। फिर नेक्स्ट कहता है कि इस्तेमाल सभी तरह के कर कि बच्चों को क्या करना चाहिए, पात्र अपने आप आसानी से जो लेते हैं, यानी कि बच्चे जो है अपने आप को क्या कर लेते हैं, कहानी के साथ अपने आप को उस पात्र बना लेते हैं है ना। कहानी में जो जो मतलब से पार्ट खेला जा रहा है तो उस कहानी में भी वो अपने आप को हिस्सा मान लेते हैं। कहता है कि इस्तेमाल सभी तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, अब मतलब से चाहे जानवर हो है ना, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, या पशु पक्षी हो, सभी को बच्चे जो है क्या बोलते हैं, उसको जानवर बोल करके संबोधित करते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ये नहीं पड़ता कि मतलब से वो जो है बच्चे अब सारे जानवर के नाम भी नहीं जानता हो, धीरे धीरे डेवलप होता है तो बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसमें विकास होती है और फिर वो जानने लगता है, फिर वो सबका अलग अलग नाम बोलेगा। फिर कहता है जानवरों के रंग रूप चाल आवाज इत्यादि देखना, उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। कहने का मतलब बच्चा को जो है क्या अच्छा लगता है, तो बच्चा को अच्छा लगता है जैसे कि कोई जानवर है ना, उसकी आवाजों को निकालना, आवाज के निकालना। आप जैसे देखिए कोई बच्चा का आदत होगा कि कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए बूढ़ा व्यक्ति या कोई मान लीजिए लंगड़ा व्यक्ति है, लंगड़ा करके चल रहा है, वो बच्चा भी ऐसे करके चलने लगेगा। कहने का मतलब वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, नकल करता है ना, कि दूसरा जैसे करने लगता है वैसा ही खुद भी बिहेव करता है। बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक बोलते हैं, क्या बोले, बच्चे खुली माहौल में अपनी बात बेझिझक बोलते हैं। पहले भी ये बातें हो गई है, बेझिझक बोलने का मतलब क्या, तो हमें पता है कि बच्चा जिससे लगाव रहेगा बच्चे को तो वो उसके सामने में जल्दी बोलना चाहेगा। अब जैसे दादा दादी से ज़्यादा लगाव रहता है, वो बूढ़े लोग होते हैं, बच्चा अगर कुछ लाने के लिए बोल देता है तो ला देता है, इस वजह से उनसे प्रभावित होते, इसीलिए बच्चा जैसे स्कूल से आएगा उसके पास अगर बैठेगा तो उससे सारी बातें कहेगा उसको है ना। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति से बच्चे को लगाव रहता है उसके सामने में वो सारी बातें कह डालता है। बच्चों के अपने विचार अवलोकन की रिपोर्ट, स्वयं के अनुभव के अभिव्यक्ति की बात के लिए तर्क प्रयोग के बाद उसके परिणाम इत्यादि ऐसे अवसर है जिनके गुणात्मक रूप से पता चलता है। कहने का मतलब बच्चा जो है कितना सीखा नहीं सीखा कर अपने विचार अवलोकन रिपोर्ट के आधार पर। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, यहां पर आ गया अवलोकन,
कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, किसी दूसरे स्कूल में गया हो, तो क्या अवलोकन किया जाएगा, है ना? अगर मान लीजिए कि बच्चा को सबसे पहले जो अपना नाम पता है वो सब पूछा जाएगा, क्या सब आता है उसको ये सब पूछा जाएगा, उसके माँ पिता क्या करते हैं वो, है ना, पूछा जाएगा, और उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई की है उसका वो जो रहता है ना पोर्टफोलियो टाइप का, तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। इससे पता चल जाता है कि इससे बच्चा जो है इससे पहले क्या सीखा है, क्योंकि बच्चा अब कहाँ एक नए व्यक्ति के पास गया है जो कि मतलब से अब पहले वाले स्कूल से अनजान है, और जब ये अनजान की बात हो गई तब ये बच्चा थोड़ा सा हिचक जाएगा, है ना, क्योंकि जब तक वो कम्फर्ट रूप में आएगा नहीं तब तक नहीं। क्योंकि हम देख रहे थे कि अब जैसे कि एक बच्चा है हमारे घर में, उसको क्या किया गया, स्कूल चेंज करवाया गया, देख रहे हैं कि जैसे एक स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में जाता है तो हमको बोल रहा था, हमें मिला तो हमसे पूछ रहा था, हमको डर हो गया इसलिए हम नहीं बताए उसको। आप बताइए वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जैसे ही गया थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, सारा कुछ देखा तो थोड़ा डर गया, लेकिन हमसे बातचीत होती है, हमसे अच्छी से बातचीत है, क्योंकि बच्चा को हम जो है ना वो साइकोलॉजिकल जो होता है उसके हिसाब से हम उसको समझते थे कि भाई जिस हिसाब से हम पढ़ाते हैं उसी हिसाब पर बच्चे में प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है उस हिसाब से हम उसको ट्रीट करते थे, लेकिन इस स्कूल में गया तो सारा कुछ नया दिख रहा है उसे, नया दिख रहा है, और बच्चा एक क्लास दो क्लास का बच्चा है, छोटा बच्चा है, लेकिन हमारे से बेझिझक बात करता है, है ना। तो कहने का मतलब हमको सारा कुछ सुना रहा है, और जब ये स्कूल से बात करते हैं तो स्कूल कहता है कि हमको तो ऐसा कुछ बोल भी नहीं किया है। तो क्या होता है कि उसको जो क्लास पहले में पढ़ा हुआ रहता है दिल्ली पब्लिक स्कूल में, फिर से उसी क्लास में उसको एडमिशन ले लिया जाता है। अब ये दिक्कत हो गई। तो कहने का मतलब है एक बच्चा जो है खुली माहौल में बेझिझक मतलब से अपनी बातों को रखना पसंद करता है। कह रहा है कि आकलन के लिए संकेतकों की एक सूची नीचे दी गई है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चे वास्तव में कैसे सीखते हैं। यानी कि हमें आकलन होना चाहिए कि बच्चे एक्चुअल में अपने कैसे सीखते हैं। पहला है अवलोकन और रिपोर्ट करना चित्र देखकर। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई फिगर है, है ना, सपोज दैट यहाँ पर हम समझिए एक फिगर हम लाते हैं, है ना, ये फिगर है, तो अगर कोई तस्वीर है, अगर हम बच्चे को कहते हैं कि बताओ इसको देख करके, है ना, कि ये किस चीज की तस्वीर है, तो फूल वगैरह घर ये सब आसमान दिख रहा है, पानी है, ये सब घर है, ये सब बता देगा वो। तो जिस तरह से मान लीजिए कि इसमें इस चित्र के बारे में उसे हम पूछे और उन्होंने बता दिया, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई कहानी के बारे में अगर हम उससे पूछते हैं, है ना, कोई कहानी के बारे में कि आप जैसे कि मान लीजिए कि एक करछुआ है खरगोश है दोनों में होर लगी, है ना, विनिंग पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, केवल चित्र दिखा रहे हैं हम और कोई कहानी में लिखा हुआ कुछ हो नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, वो कहानी सुना हुआ है तो समझ जाएगा वो तुरंत कछुआ खरगोश को देख करके कि दोनों में होर लगी, होर का मतलब रेस हुआ, और क्या होता है खरगोश रास्ते में सो जाता है, उसका चित्र यहाँ दिखाई देता रहेगा कि सो रहा है, फिर कछुआ धीरे 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 चलता जा रहा है और वो जीत जाता है विनिंग पॉइंट पे। तो कहने का मतलब उस चित्र को देख करके वो बच्चा समझ जाता है कि इसमें क्या, क्योंकि इससे पहले वो कहानी को सुना हुआ रहता है, समझ गए। फिर कहता है अवलोकन और रिपोर्ट करना, अवलोकन करना और रिपोर्ट करना, कर चित्र देखकर बताना, तस्वीरें और नक्शे बनाना, है ना, यानी कि चित्र देख करके ये बता देना कि ये कहानी क्या कह रहा है। नक्शा के आधार पर हम अगर मान लीजिए बच्चे को पूछेंगे, अब बच्चा कुछ कुछ जानता है, कोई नक्शा मान लीजिए कि हम बच्चे के सामने में जैसे ला रहे हैं, है ना, कोई नक्शा जैसे कि ये भारत का नक्शा है ना, हम भारत का नक्शा अगर मान लीजिए कि हम
यहाँ ला रहे और बच्चे से पूछ रहे बताओ इसमें उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम किधर है, और बच्चे को अगर बताए रहेंगे हम कि इसमें उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कहाँ होता है तो हमें बता देगा ना कि अगर हमें मान लीजिए कि ये नक्शा है हमें उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पता है कि ये उत्तर होता है उसके जस्ट अपोजिट शायद दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, इसी के बीच का भाग जो है ईवीएस में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि बताइए बंगाल के सापेक्ष, बंगाल के सापेक्ष बिहार किस ओर है, समझे बात को, नहीं समझे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और बिल्कुल भी पूछता है। अब ये क्या कह रहा है सो समझिए, यहाँ पर पूछ देगा ईवीएस का जबरदस्त क्वेश्चन है ये कि बताइए बंगाल, बंगाल हमें तो पता है ना, बंगाल के सापेक्ष ऐसे, जहाँ बंगाल है वहाँ से बीच में ऐसे कर लेंगे, बंगाल के सापेक्ष बिहार कहाँ है। तो जब ये हम इसको उत्तर माने, है ना, जब ये हम इसको उत्तर माने ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, और इसके सापेक्ष कह रहा है बिहार किधर है, है ना। जब बिहार के बारे में पूछेगा तो हमने पता लगा लेंगे इधर बिहार है, अब बिहार अगर इधर है तो ये पश्चिम यानी कि पश्चिम दक्षिण मतलब से उत्तर की ओर है, ये हो गया आंसर उसका, समझ गए। सापेक्ष बोलेगा तो वहाँ से ले लेंगे, है ना, याद रहेगा। अब कहीं पर से कहीं पूर्व पूछ दे आपको, आप पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष, क्या पूछ देगा, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष बताइए कि कौन सा तेलंगाना किधर है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के सापेक्ष तेलंगाना, यहाँ पर है तेलंगाना, तेलंगाना यहाँ पर है तो सीधे सीधे किधर आ गया, दक्षिण आ गया। तो उत्तर प्रदेश के सापेक्ष क्या है, दक्षिण में तेलंगाना है, हैदराबाद है ना, तमिलनाडु है, ऐसे करके पूछेगा तो इस तरह से। अगर इस बीच में हल्का सा भी आ गया, है ना, अब जैसे कह देगा पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष बताइए कि उड़ीसा किधर है, हम कहीं से भी इसमें पाएंगे ऐसे, कहीं से भी, है ना। तो ऐसे अगर जब ये लगाएंगे यूपी में तो देख लिए उड़ीसा कहाँ, यहाँ आ गया, बीचे में आएगा, इसके इसके बीच में जो भी आया तो ये उत्तर दक्षिण हो जाएगा ना, तो उत्तर और दक्षिण के बीच में कौन है, उड़ीसा है, समझ जाएंगे इसको। कभी कभी ये भी पूछ देता है क्वेश्चन कि अब याद कैसे न करना पड़ेगा, मान लीजिए हम सीधे सीधे पूछ लेंगे कि बताइए इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, अभी नहीं दिखाई दे रहा। हम अगर इसमें पूछेंगे कि बताइए इसमें पंजाब किधर है, बता सकते कहाँ है पंजाब, नहीं बता सकते, बताइए। तो ये याद रखना पड़ेगा ना, यहाँ पर देखिए पंजाब है, है ना, हरियाणा कहेगा तो उसी के जस्ट सटा हुआ है, यूपी कहेगा यहाँ पर है, उत्तराखंड यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश है ना यहाँ पर है, राजस्थान देख लीजिए यहाँ पर है, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, एक एक करके जब तक एक नक्शा को बढ़िया से देख नहीं लीजिएगा तब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल है, समझे। अब जैसे यहीं पर देख लीजिए, इसमें इसमें दिखता नहीं है, है ना, नहीं दिखता है तो हम इसमें कैसे पता लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए ये फिगर सब हम इसीलिए रखे हैं कि मतलब आपसे हम पूछ सके। अब इसी में समझिए कि हम यहाँ बताएंगे, पूछेंगे आपसे कि बताइए इसमें यूपी कहाँ दिख रहा है, तो यूपी यहाँ पर ये अपना बिहार हो गया, अब बिहार के जस्ट बगल में ये यूपी दिख रहा है, यूपी इधर हो गया मध्य प्रदेश, है ना, यूपी से यहाँ पर सटे देख लीजिए कि उससे सटे हुए यहाँ पर ये झारखंड हो गया, और झारखंड से सटे हुए क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। हम लोग जानते हैं कि बिहार झारखंड उड़ीसा तीनों एक ही राज्य मतलब से था पहले, तो 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, है ना, बिहार 2000
में अलग हो गया, अब बिहार है, और ये जो है बिहार जो है किसे बंगाल से अलग हुआ, कब 1912 में। कहने का मतलब ये तो कम से कम हिस्ट्री की भी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा चीज़ मिला करके पूछ देता है ना, इतना भी आसान से आप इसको नहीं समझ सकते। तो ये खाली स्थान वाला हम इसीलिए रखे हुए हैं ताकि हम इससे रिलेटेड आपको पूछ सके, समझ गए। तो EBS का एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहता है कि जम्मू कश्मीर, यहाँ देख लीजिए ऊपर में है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, है ना। अब कुछ कुछ चीज याद करने वाला, अब हमको कहेगा कि नेपाल जो है कितने स्टेट से सटा हुआ है, क्या पूछ देगा, किस स्टेट के भारत के मतलब से कितने स्टेट से। तो सीधे सीधे समझिए, नेपाल कितने स्टेट से सटा हुआ है, 5 स्टेट से। भूटान कितने स्टेट से सटा हुआ है, 5 से। उसके बाद में बांग्लादेश कितने देश मतलब से स्टेट से सटा हुआ है, 5 से। पाकिस्तान कितने स्टेट से सटा हुआ है, 5 से। इतना आ गया। अब अगला देखिए, यहाँ पर अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान जो है कितने स्टेट से सटा हुआ है, तो केवल 1 से, है ना, इसको दो भाग में बांट दिया है, लद्दाख से सटा हुआ है, तो केवल 1 हो जाएगा अफगानिस्तान में, है ना, मात्र 6 किलोमीटर से वो टच करता है भारत का बॉर्डर। म्यांमार आ जाइए, म्यांमार कितने देश मतलब से राज्यों से टच करता है सीमा, आहा, 4, केवल 4 से। चीन आ गया इधर से, चीन कितना मतलब से स्टेट से टच करता है, तो चीन के लिए भी क्या याद रखेंगे, 5। अब दिमाग लगाइए, बांग्लादेश कितना स्टेट से टच करता है, तब 5। उसके बाद में देखिए भूटान कितना है, उसके बाद में नेपाल, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए उत्तराखंड, नहीं मतलब से चीन की बात हो गई है, चीन 5 स्टेट से, और पाकिस्तान भी कितना है, 5 स्टेट से। अब जैसे काउंट करके भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये हो गया कश्मीर, पंजाब हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल नहीं टच करता है, ये हो गया राजस्थान, और तो कितना हो गया, 1, 2, 3, है ना, और गुजरात हो गया, ये 4, 4 स्टेट हो गया, और इसको दो पार्ट में बांट दिया है, तो कुछ पार्ट जो है किसका मतलब से, तो 4 ही कैसे हो जाएगा इसका, मुंबई महाराष्ट्र दादरा नगर हवेली, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, लेकिन पाकिस्तान जो है 5 स्टेट से छूता है भारत का, है ना, जैसे देख रहे हैं हमारे इसमें दिया हुआ है पंजाब भी है ना, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, हाँ ऐसे है जैसे इसमें दिया हुआ है ना, इसमें ऐसे है, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया है, है ना, तो इसका मतलब ये भी टच करता है और ये भी टच करता है, दो पार्ट ये हो गया, है ना, अब फिर यहाँ पर पंजाब हो गया तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया, इस तरह से हम यानी कि 5 स्टेट से। तो कौन कौन स्टेट हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और ये क्या हो गया, लद्दाख हो गया, ऊपर वाला लद्दाख हो गया, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक, उसके बाद में पंजाब हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, उसके बाद में गुजरात हो गया, है ना, ये समझ गए। फिर इसमें नेपाल में देख लीजिए, नेपाल जो है उत्तराखंड से मिलता है, उसके बाद में यूपी से मिलता है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए बिहार से मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए सिक्किम,
सिक्किम से मिलता है, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर के ऐसे 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 करके ऐसे जो है पश्चिम बंगाल है, यानी कि बंगाल से भी ये मिलता है। तब सोच लीजिए, एक हो गया, दो हो गया, है ना, उसके बाद में तीन हो गया, और इधर चार हो गया, और ये पाँच हो गया। मतलब नेपाल भी कितने स्टेट से मिल रहा है? पाँच से। कौन कौन? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसके बाद में बंगाल है, और सिक्किम है। ये पाँच स्टेट हो गया, समझ गए बात को। फिर आप भूटान को देख लीजिए, भूटान कितना है? सिक्किम से घिरा हुआ है, बंगाल से, दिसपुर है, है ना, दिसपुर है, असम से है, अरुणाचल प्रदेश है। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ये चार हो गया। यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, हम कह रहे थे दो ऐसे है जिसको केवल चार स्टेट से फिरता है, है ना। एक तो ये हो गया, है ना, म्यांमार, म्यांमार है ना, ये म्यांमार जो है ये चार स्टेट से मतलब से लगता है। चार स्टेट में आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है मिजोरम, मणिपुर, उसके बाद में है नागालैंड, है ना, और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। तो चार स्टेट से म्यांमार जो है छूता है। इस तरह से बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में कौन कौन किस सबसे, तो कोलकाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद में दिसपुर, यहाँ पर देखिए असम का दिसपुर, उसके बाद मेघालय हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, तो 1, 2, 3, 4, और एक यहाँ पर देख लीजिए मिजोरम आइजोल, तो ये पाँच हो गया। तो जब तक आप गौर से इसको नहीं देखिएगा तब तक आपको प्रॉब्लम होएगा ही होएगा, समझ गए। अब इसमें देखिए चीनी की बात करते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर है उससे नहीं भिड़ता है चीन, लेकिन लद्दाख से भिड़ता है। तो लद्दाख एक हो गया, फिर उसके बाद में आ जाइए हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में आ जाइए उत्तराखंड, उसके बाद में नेपाल वगैरह, इधर इधर बिहार सबसे चीन नहीं लगता है, फिर आगे हम सिक्किम, और फिर उसके बाद में आगे अरुणाचल प्रदेश। तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, पांच हो गया। तो अगर इस तरह से एक एक नक्शा को अगर गौर से देखेंगे तब जा कर के आपको एक तो पूछ देता है कि मतलब से किसके सापेक्ष किस कौन सा, पूछ देगा कि मतलब से कौन सा स्टेट किससे सटा हुआ है। तो जब तक ये बार बार देखिएगा ना तब तक नहीं पता चलेगा। एक नक्शा का पूरा पूरा जानकारी आपके पास होना चाहिए, तब जा कर के आप इससे रिलेटेड जो है बना पाएंगे, समझ गए बात को। अब जो हम आपको पूछेंगे कि बताइए झारखंड के सापेक्ष, क्या पूछेंगे, झारखंड के सापेक्ष क्या हुआ, झारखंड के सापेक्ष बताइए हमें यूपी किधर है, झारखंड के सापेक्ष बीच से खींचेंगे, यूपी कह रहा है ना, क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण कैसे हो जाएगा, उत्तर पूर्व है कि पश्चिम है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम याद रहेगा तब ना, है ना, क्या समझे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, समझ गए। तो जब ये इस ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम, समझे। जब तक ये चीज़ें नहीं याद रहे, एक नक्शा अपने पास जरूर रखिएगा, समझ गए। केवल भगवान के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, समझ गए। हाँ, खाली भगवान के भरोसे नक्शा वाला में गड़बड़ हो जाता है, नहीं 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 सब बच जाएगा, कैसे न बनेगा। हम एक एक कह रहे हैं ना कि जितना भी सारा कुछ है नक्शा से रिलेटेड, एक एक हम आपको बता देंगे, तो नक्शा से रिलेटेड बनेगा कैसे नहीं, क्या समझे। अब जैसे हम इसमें ढूंढने के लिए आपको बोलेंगे कि बताइए इसमें झारखंड कहाँ दिख रहा है,
तो बिहार के नीचे में दिखेगा। चलिए आसान था। मध्य प्रदेश कहाँ है? हाँ, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है पता है? इंडिया का दिल कहा जाता है। आ दिल कहाँ रहता है? बीच में, इसीलिए कहाँ है, समझ गए? इस तरह से हम टेक्निक से याद कर पाएंगे। अब जैसे हम बिहार है तो बिहार झारखंड से, मतलब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है, फिर मतलब से बिहार से कौन, मतलब से रांची, ये उड़ीसा जो है वो उसी से मतलब से अलग हुआ है, तीन तीनों को। अब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये किससे अलग हुआ है? तो बंगाल से अलग हुआ है। अब बताइए, इतना का प्रॉब्लम तो हमारा वैसे ही ख़त्म हो गया है। फिर देख लीजिए, बिहार से नहीं इस मतलब से जुड़ता है छत्तीसगढ़ का, मतलब से ऐसे पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो है ना झारखंड से मतलब से अपना सीमा साझा करता है, उड़ीसा से सीमा साझा करता है, उसके बाद में तेलंगाना से सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, ऊपर यूपी से करता है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा कौन कौन से, तो ये ज़रूरी है। नक्शा देखते रहिए, पूछता बहुत आसान ही है। क्वेश्चन सब देखिएगा, आएगा, हम दिखा देंगे, सेकंड नहीं लगता है उसका आंसर आने में। तो उतना ध्यान दीजिएगा उस पर तब ना, ये जो सोचिएगा कि एगो दुगो नंबर नहीं हो बनेगा, आप उस नंबर के लिए लड़िए जिस नंबर में, जिस में आपको दिक्कत हो जाती है। समझे? समझे अब नक्शा को थोड़ा बहुत, क्योंकि जब तक आप नक्शा को बेहतर से समझिएगा नहीं तब तक संभव नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं ईवीएस की। फिर कहता है, चर्चा करना, करे सुनना, बोलना, अपनी राय देना तथा दूसरों की राय सुनना। चर्चा करने का क्या मतलब? क्लास में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका मतलब बच्चे को क्या, बच्चे को क्या सब मतलब से, अगर सुनना, उसको सुनने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिव रखते हैं। बोलना मतलब से कोई क्वेश्चन वो पूछना चाहता है तो स्वतंत्र रूप से पूछ सकता है। उसके बाद में अपनी राय देना और दूसरों की राय सुनना। अगर मान लीजिए कि आप अपने मतलब से कुछ कहना चाहते हैं अपने क्वेश्चन में, तो अपना राय भी देना और जो मान लीजिए कि कुछ कहता है उसको भी सुनना। तो ये चार सारा चीज़ किस में, ईवीएस में शामिल है। फिर कहता अभिव्यक्ति, चित्र द्वारा, हाव भाव द्वारा सृजनात्मक लेखन करना। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई फिगर दिखाते हैं और बच्चे को कहते हैं कि इसके बारे में लिखने के लिए, है ना, तो बच्चा हाव भाव देख करके, है ना, उसको क्या करेगा, लिखेगा जब तक चित्र को समझेगा, और जब नहीं समझेगा तो नहीं लिख पाएगा। तो हम उसको कहानी पहले अपने हिसाब से उसको बता देंगे, फिर देखेंगे वो कर पाता है कि नहीं। एक बार, दो बार, चार बार उसको ट्राई करना पड़ता है, यानी कि पहला बार नहीं अगर हुआ उसे हतोत्साहित कर देते हैं, होता ना, अरे तुम ऐसे नहीं होगा, तुम कमज़ोर है, तुम ऐसा कुछ बोल देगा उसको, ऐसा नहीं होता। बच्चा है, उसको धीरे धीरे सिखाएंगे, सीखेगा। व्याख्या, तर्क देना तथा तर्क के आधार पर चीज़ों को चीज़ों में संबंध जोड़ना। व्याख्या का मतलब क्या? अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई कहानी हम व्याख्या करने के सेंस में उसको समझाने की बात करते हैं। अब जैसे समझिए कि इसमें कुछ व्याख्या अगर करने के लिए अगर आपको कहा जाए कि आप बताइए नक्शा के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना, नक्शा क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अगर इस तरह की बातें अगर आपको बोल दे कि नक्शा क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, नक्शा से हम क्या क्या सीख सकते हैं, अरे अगर हम इसी नक्शा के बारे में आपसे पूछे, है ना, तो क्या क्या बता सकते हैं इसके बारे में, कि ये खाली समझ लीजिए कि ये बिना किसी नाम का एक नक्शा है ना, जिसमें
पार्ट बाय पार्ट अलग अलग जो भी स्टेट सब है वो बटा हुआ है। अब कुछ स्टेट का आपको नाम पता है आप उसको बता दीजिए। आप जैसे कुछ ही स्टेट हम बोलेंगे कि ये जो है ना नक्शा दिया हुआ है इसमें से किन्हीं 5 या 10 स्टेट का नाम आप क्या करें लिखिए, है ना। तो नहीं लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, कह दीजिएगा यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, है ना, तेलंगाना है, हैदराबाद है, केरल है। तो कहने का मतलब ये जो स्टेट सब है तो जब तक आपको नक्शा नहीं पता रहेगा तब तक आप ठिकाने इस तरह से नहीं बना पाइएगा। इसलिए एक नक्शा आपके पास होना चाहिए। तो इसमें बच्चा क्या कहता है कि व्याख्या का मतलब तर्क देना और तर्क के आधार पर चीज़ों को जोड़ लेना। अब जैसे कि तर्क का मतलब हमारा तर्क काम कर रहा है कि यहाँ पर बिहार है तो उसके ठीक बगल में कौन होना चाहिए, झारखंड होना चाहिए, उसके ठीक बगल में कौन होना चाहिए, उड़ीसा होना चाहिए, तो उसके जस्ट बगल में क्या है, बंगाल है, उसके जस्ट बगल में क्या है, बांग्लादेश है। तो कहने का मतलब है कि ये सब पता है हमें तब तो ये बता पा रहे, अगर मान लीजिए पते नहीं रहेगा तो कैसे बता पाएंगे। तो यही चीज़ें बता रहे हैं कि जब तक आप किसी चीज़ से रिलेट नहीं कीजिएगा अपने आप को आप बेहतर नहीं बता पाइएगा, समझे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें। वर्गीकरण, समूह बनाना एवं तुलना करना। समूह बनाना, तुलना करना, कंपैरिजन ये नेगेटिव है, लेकिन समूह का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग। बच्चे का ऐसा समूह होना चाहिए जिसमें कमज़ोर, तेज और मध्यम वर्ग के तीनों स्टूडेंट हो, क्योंकि तेज बच्चा तो कोई काम फटाक से कर लेगा, है ना, लेकिन कमज़ोर बच्चा नहीं कर पाता है, कमज़ोर बच्चा नहीं कर पाता है जिसके कारण वो पीछे रह जाता है। लेकिन हम उसे तेज बच्चे के बीच में अगर रखेंगे तो वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा। उसको बस मनोबल थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, नहीं तुम भी सीख सकता है, तुम भी बेहतर कर सकता है, तुम भी ऐसा कर सकता है, तो उसको धीरे धीरे ये फील हो जाए कि नहीं हम भी सीख सकते हैं, तो फिर देखिएगा वो बेहतर कर सकता है, समझ गए। तो इस तरह से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्रश्न करना, करे जिज्ञासा व्यक्त करना और आलोचनात्मक चिंतन और अच्छे प्रश्न बनाना। प्रश्न का सेंस में समझिए क्या कहता है। प्रश्न के सेंस में कहता है, अरे क्या है ये, एक ही के ऊपर ये सब कहाँ से आ गया, इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न करना। बच्चा जब ये प्रश्न करने लगा इसका मतलब सीधे सीधे समझिए कि बच्चा अब प्रश्न पूछने लगा है। अब प्रश्न पूछने लगा है तो कैसा प्रश्न, तो कहता है कि प्रश्न करना, जिज्ञासा व्यक्त करना, आलोचनात्मक चिंतन करना और अच्छे प्रश्न पूछना। इसमें क्या क्या है, जिज्ञासा, जिज्ञासा व्यक्त करना, अब जैसे बच्चा आसमान में चांद को देखता है तो बच्चा कहता है कि वो बल्ब जैसे क्या जलता है, अब उसे पता हम बताएंगे कि ये चंद्रमा है, अब माँ बाप से पूछता है कि ये क्यों मतलब से रोशनी देती है, कुछ ऐसा उसमें बल्ब लगा हुआ है क्या, बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ऐसा अनटोटल क्वेश्चन पूछेगा वो जिसका जवाब उसके माँ बाप के पास होता भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हो ताकि उसको समझे कि है ना सूरज की रोशनी लेकर के वो चंद्रमा रात में चमकता है जिसके कारण हम लोगों को शीतलता प्रदान होती है, आय रोशनी मिलती है। तो कहने का मतलब है बच्चे को किसी नए चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है, नया चीज़ जानते, कोई नया चीज़। फिर उसके बाद में कहता है जिज्ञासा व्यक्त करना, आलोचनात्मक चिंतन करना, आलोचनात्मक चिंतन करना,
आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या? किसी चीज के बारे में अपने हिसाब से तथ्य बनाना, है ना। जैसे देखिएगा अहम भाव जिस बच्चे में होता है, वो देखिएगा कभी कभी क्या स्वयं से बातें करता रहता है, है ना, इसको यहाँ रखो, इसको ऐसे रखो, इसको ये करो, उसको वो अकेले में बात करता रहता है। तो यहाँ पर क्या कहता है बच्चे के बारे में, आलोचनात्मक चिंतन और अच्छे प्रश्न पूछना और अच्छे प्रश्न पूछना। अच्छे प्रश्न का क्या मतलब? कहने का मतलब है कि ये भी नहीं, ये नहीं कि मतलब से कोई अभद्रता की बात, मतलब से जो मान लीजिए कि नहीं भी, अब जैसे हम उस तरह से बच्चे को सही ढंग से उसको हम बनाते हैं, समझाते हैं, तो वो हमारे लिए बेहतर करेगा। मतलब जैसा क्वेश्चन, मतलब से हम चाहेंगे कि ऐसा अच्छा क्वेश्चन बच्चा करे, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ भी पूछ लिए, सर है तो बताएंगे, है ना। जो बच्चे मान लीजिए कि होता है ना, वैसे टीचर का काम होता है कि क्वेश्चन कैसा भी हो उसको बेझिझक बच्चों के सामने में रखा जाए, है ना, क्योंकि बच्चा जिज्ञासी होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। फिर कहता है कि विश्लेषण, कह पूर्व अनुमान या अंदाजा लगाना या निष्कर्ष निकालना। विश्लेषण का क्या मतलब? विश्लेषण विश्लेषण का क्या मतलब? तो इसमें कहता है पूर्व अनुमान, अंदाजा लगाना, पूर्व अनुमान या अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना और क्या हो जाएगा, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। मतलब बच्चा को नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है, है ना, नन्हे वैज्ञानिक। अब पूर्व अनुमान लगाना मतलब विश्लेषण के आधार पर वह कुछ अनुमान लगाता है, अंदाजा लगाता है और फिर उसके बाद में उसका क्या करता है, निष्कर्ष निकालता है कि इससे क्या होने वाला है, है ना। ऐसे छोटे छोटे, मतलब बहुत बारीकी से, बहुत बेहतर तो नहीं सोच सकता बच्चा, लेकिन कुछ ना कुछ। फिर अगला नंबर कहता है प्रयोग करना, वस्तुओं का जुड़ाव एवं प्रयोग करना। कौन वैज्ञानिक ने कहा, कौन चीज? नहीं, ये कहने की बातें है कि नन्हे की, नन्हे वैज्ञानिक का मतलब क्या, बहुते का ऐसा तथ्य है कि बच्चा जो होता है ना एक वैज्ञानिक का, सब ने, अब सब वैज्ञानिक का मतलब अलग अलग तथ्य सुनिएगा, तो वो मतलब से कहता है कि बच्चा जो होता है ना कि मतलब से एक छोटा वैज्ञानिक के रूप में होता है। कोई वैज्ञानिक ने कहा, कोई मतलब से कहा कि बच्चा जो होता है ना संवेदनशील किसी चीज़ों पर सोच सकता है, है ना। भाषा अर्जन, भाषा मतलब से अधिगम के बारे में समझिए कि भाषा अर्जन का मतलब क्या, जो बच्चा सीख करके आता है, मतलब बचपन में अपने बिना किसी ग्रामेटिकल रूल वगैरह सबके पढ़ाने लग, मतलब से वो बोलने लगता है। और एक होता है भाषा अधिगम, जो स्कूल में आकर के रूल रेगुलेशन के साथ सीखता है, है ना। तो भाषा अर्जन, भाषा अधिगम ये सब तो जानते हैं ना। तो ये एक वैज्ञानिक की बातें नहीं है, है ना, कईयों ने इसके बारे में चर्चा किया है। फिर अगला नंबर कहता है सहभागिता, प्रयोग करना, करे वस्तुओं का जुड़ाव एवं प्रयोग करना, प्रयोग करना, प्रयोग करना है। प्रयोग करने का क्या मतलब? मतलब हम जो बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं। तो प्रयोग में लाने का क्या मतलब कि कोई भी चीज को अगर वो प्रयोग में लाता है, इसका मतलब है कि इससे पहले उन्होंने कहीं ना कहीं उसको देखा है। जब देखेगा नहीं तब तक वो प्रयोग कैसे ले। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर ड्राइंग वगैरह इसको कोई अप्रिशिएट नहीं किया है, कोई बताने के लिए, बनाने के लिए नहीं बोला है, तब तक बच्चा अनजान है उसे, लेकिन जब उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है, तब वो धीरे धीरे सीखने की बात करता है।
सहभागिता, सहभागिता का क्या मतलब? बच्चा किसी काम में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। तो ये कहता है कि सहभागिता, जिम्मेदारी लेना, पहल करना, साथ मिलकर के काम करना। अब जैसे कि बच्चा को, चार को बच्चा को मिलकर के किसी काम को करने के लिए बोला गया है ना, उसमें से एक है जो कमजोर है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, वो कम से कम देखेगा ना, तो कम से कम अवलोकन तो करेगा कि भाई कैसे ये काम कर रहा है ना, किसी चीज को। अब जैसे मान लीजिए कि छोटा क्लास में क्या होता है, बच्चे सबको फूल रोपने के लिए बोला जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, फील्ड में जो रहता है, कोई कागज फाड़ के फेंक दिया हुआ, लकड़ा लकड़ी और वगैरह रहता है, उसको चुनने के लिए कहता है, तो वो साफ करने के लिए कहता है। तो उसमें जो है देखिएगा कि जो बड़े बच्चे कर रहे हैं, छोटा बच्चा को उतना आइडिया नहीं होता, तो थोड़ा दो चार बार टहलता है वो, और उसके बाद देखता है कि जैसे वो लोग कर रहा है तो वो भी वैसे करने लगता है। तो ये क्या कर रहा है, अवलोकन करके सीख गया वो, है ना। तो किसी चीज़ को तुरंत देख करके तुरंत सीख जाता है, किसी चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन सीखता ज़रूर है। तो ये सहभागिता क्या हो गया, जिम्मेदारी लेना, पहल करना, साथ मिल करके उसको करना। फिर अगला है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बारे में जानते, हाँ, करे विद्यार्थियों द्वारा संपर्क कार्यों का उद्देश्य पूर्ण व्यवस्थित संकलन जोड़ जो विद्यार्थियों को उस मतलब उत्तम प्रयासों को दर्शाता है। मतलब उत्तम प्रयास का मतलब क्या, बच्चा ने पूरे साल के अंतर्गत जो अच्छे अच्छे काज किए हैं उसे कहा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का हिंदी होता है जिसमें, जैसे खाका तैयार करना है ना, जिसमें एक बच्चे का जो है जो भी काम एक साल के अंतर्गत उन्होंने, इसमें कह क्या रहा है कि बच्चे के नेगेटिव संकलन नहीं होता है, है ना, क्या कहता है पोर्टफोलियो के अंतर्गत, जिसमें करे विद्यार्थियों के द्वारा संपर्क कार्यों का उद्देश्य पूर्ण व्यवस्थित संकलन जोर जो विद्यार्थियों को उत्तम प्रयासों को दर्शाता है। उत्तम प्रयास मतलब अच्छे अच्छे काम जो किए होंगे उसी को पोर्टफोलियो दर्शाता है। अगर कोई नेगेटिव बातें, कहीं मारपीट कर लिया होगा, कुछ इस तरह की बातें, उस चीज़ों को इसमें दर्शाया नहीं जाता है। इसीलिए पोर्टफोलियो को एक सही तरीका भी बोला गया है कि अगर बच्चे में इससे क्या होगा, हीन भावना नहीं आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी स्कूल में आपने कहीं किसी से लड़ाई कर ली, वहाँ से आपको हटा दिया गया, आपके पोर्टफोलियो में आपका लिख दिया गया, अब वो चीज़ लेकर के किसी दूसरे स्कूल में जाइएगा तो क्या उस बच्चे का एडमिशन जल्दी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए कि ताकि दूसरे स्कूल में बच्चे को ज़्यादा रोका ना जाए, उसे एक अवसर देना, क्योंकि स्कूल का काम तो ये भी है कि उसको क्या किया जाए, अवसर दिया जाए, समझे। पोर्टफोलियो एक फाइल पैकेट का या बैग के आकार का होता है, हो सकता है। इसमें छात्रवार, कक्षावार तथा वर्ष भर विद्यार्थी के उत्कृष्ट कार्यों के संक्षिप्त रखा जाता है और विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों के साध्य और तथा प्रतिदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि पूरे साल के अंतर्गत जो भी वो कार्य किया हुआ रहता वो सारे चीज़ को उसमें दर्शाया जाता है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब होता है बेहतर, अच्छे काम को, नेगेटिव नहीं उसमें रहता है बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ दिया रहता है कि क्या पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा है जो नहीं दिया हुआ है, मतलब से नहीं रहता है, तो कोई नेगेटिव वाला दिखाई दे तो समझ जाइए कि वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। और चार को ऑप्शन दे दे, कह देगा कि बताइए पोर्टफोलियो में इनमें से क्या रहता है, तो हम इससे पता लगा लेते इस तरह से। फिर कहता है छात्र पोर्टफोलियो का निर्माण प्रक्रिया, कर छात्र पोर्टफोलियो विद्यार्थी के विकास का प्रदर्शन हो। अगर पोर्टफोलियो का जो विद्यार्थी का है उसका क्या हो, प्रदर्शन हो, कि मतलब से जो है पोर्टफोलियो के अंतर्गत किस बच्चे का सबसे बेहतर स्थिति है, क्योंकि वो तो सबसे लास्ट में
पता है, तो इसीलिए हमारा एग्ज़ाम भी जो रखा गया है सबसे लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम होता है, जिसके आधार पर अंकिंग कह रहे कि अंकन करना या मार्क्स देना, लेकिन अंक तो रहता है क्योंकि इसके माध्यम से हम आगे का क्लास जो है निर्धारित होता है कि किसका रोल नंबर कैटेगरीज ये सब कैटेगरी में बांटना, ये सब तो है नेगेटिव, लेकिन ऐसा स्कूल में किया जाता है। फिर कहता है चार्ट पोर्टफोलियो तथा विद्यार्थियों के विकास के को प्रदर्शित करता है, करे छात्र पोर्टफोलियो जो है किसको, विद्यार्थी के विकास को प्रदर्शित करता है, मतलब बच्चा क्या क्या जानता है उन चीज़ों को प्रदर्शित करता है। अगर वो चीज़ आप उसमें दिखाई दे रहा है तो दूसरे वाले स्कूल में जाइएगा कहीं भी, या मान लीजिए कि पाँचवीं क्लास तक कोई स्कूल है, छठी क्लास में आप गए तो किसी दूसरे स्कूल में जाइएगा, वो लेकर के जाइएगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत उसको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा किस तरह का है, किस तरह से पढ़ा है वो सारा चीज़। लेकिन सारी सच बातें पोर्टफोलियो में नहीं होती है ना। फिर कहता है साक्षी एवं सह साक्षिंग उपलब्ध को निरूपित करता है, कह रहा है कि शैक्षणिक योग्यता जो है उसके पास वो चीज़, और सह शैक्षणिक इसे कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों के बारे में उसमें लिखा हुआ रहता है ना। ये सारा चीज़ हो गया। फिर उसके बाद में है विद्यार्थी क्षमताओं एवं कमजोरियों के को प्रस्तुत करता है, कह रहा है विद्यार्थी में कौन कौन सी क्षमता है और कौन कौन सी उसकी कमजोरी है उन चीज़ों को भी वो प्रस्तुत करता है ना। तो पोर्टफोलियो ये भी है कि विद्यार्थी के कमी का मतलब ये हो गया कि बच्चे ने ये सब सीख लिया है और ये सब नहीं सीखा है, ये भी नेगेटिव बात नहीं हुई। बच्चा ने कहाँ तक सीख लिया और उसे आगे कहाँ सिखाना है उसको, उसके बारे में पोर्टफोलियो में दिया रहेगा, तो अगला जो पढ़ाएगा टीचर उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें शुरू करना है इसको, समझ गए। विद्यार्थियों को उसके द्वारा किए गए कार्यों को दोबारा जांचने और सुधार का अवसर प्रदान करता है। पोर्टफोलियो जो है यानी कि बच्चे में इससे पहले जो भी गलतियां हुई है ना, उसको सुधारने का पोर्टफोलियो क्या करता है, प्रयास करता है। पोर्टफोलियो के आधार पर हम उसको बेहतर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। बहुत ही कम है, अब थोड़ा सा देख लीजिएगा। कह रहा है कि पोर्टफोलियो की सीमाएं, अब इसकी सीमा क्या है, पोर्टफोलियो की सीमा क्या है। तो पोर्टफोलियो में पहला क्या है, आवश्यक संसाधनों को जुटाना। पहला क्या है, आवश्यक संसाधनों को जुटाना। आवश्यक संसाधनों को जुटाने का मतलब समझिए कि इसके अंतर्गत जो जो चीज़ों की जरूरत हमें पड़नी चाहिए बच्चे को बेहतर करने के लिए, उन चीज़ों को आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग, जो भी चीज़ स्कूल में उपयोग है, क्या मतलब से है, क्या कहता है, उपयुक्त उपयोग। कहने का मतलब देखिएगा कि स्कूल में अगर मान लीजिए कि जो चीज़ बच्चे के लिए आया है, सरकारी स्कूल में बहुत ही सारा चीज़ बच्चे को दिया ही नहीं जाता, नहीं मान लीजिए खेलने का सामान सब आया है, नहीं दिया जाता है उसको, कभी काल होता है कि दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब उपयुक्त संसाधनों की क्या कह रहा है, मतलब से संसाधनों का उपयोग, मतलब उसका उपयोग कैसे करना है, ये भी चीज़ आना चाहिए। फिर उसके बाद में कहता है निर्धारित समय में कार्य पूरा करना। अब कहने का मतलब जो एग्जैक्ट समय है, एक साल का समय है, उस समय के अंतर्गत उसके जो सारे चीज़ें उसको क्या करना, पूरा करना, ये भी उसे आना चाहिए है ना। फिर उसके बाद में अगला कहता है तीसरा का निर्धारित समय में कार्य पूरा करना, ये तीसरा है कि निर्धारित समय में कार्य पूरा करना, मतलब पोर्टफोलियो में ये भी चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए कि कितना समय में इसको पूरा करना है या नहीं करना है, है ना। फिर कहता है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी द्वारा दिए जाने वाला समय, अब कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं के
विद्यार्थियों, के द्वारा दिया गया समय, मतलब बच्चे कितना समय देते हैं उसके प्रति, यानी कि अपने पढ़ाई के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति कितना समय वो खर्च करता है। उसके बाद में है अध्यापक की सतत सहायता की आवश्यकता। 5वां नंबर क्या है? अध्यापक अध्यापक की सतत सहायता की आवश्यकता। समझे? तो कहने का मतलब कहता अध्यापक जो है उसकी सहायता की आवश्यकता होती है बच्चों को, कि कहाँ कहाँ उसको कमजोरी है, जिसके कारण उसको ये चीज़ अगर बताया जाए तो वो सीख जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज़। फिर कहता है पर्यावरण अध्ययन विषय में पाठ्यक्रम को 6 थीम और 4 उपथीम दिया गया है। थीम उपथीम जानते हैं? थीम क्या होता है? थीम और उपथीम, है ना। पहला क्या है? परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? भोजन। तीसरा हो जाएगा पानी, आवास। 5वां हो जाएगा यात्रा, और 6ठा हो जाएगा हम चीजें कैसे बनाते हैं। हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये एनसीईआरटी का लाइन लिया गया है, समझ गए। इसमें चेंज करके आप अपना ऑप्शन खराब कर लीजिएगा, समझे। पहला परिवार हो गया एवं मित्र, उसके बाद भोजन हो गया, फिर पानी हो गया, आवास हो गया, यात्रा हो गया, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें, ये 6 थीम हो गया। और उपथीम में 4 है। पहला क्या है? परिवार एवं मित्र। थीम को 4 उपथीम में बांटा गया है, जो कहते हैं आपसी संबंध। क्या हो जाएगा उपथीम में? आपसी संबंध, है ना। दूसरा क्या है? कैसे ना दिक्कत हो जाएगा। पहला नहीं, देखिए थीम है ना, एक लाइन से आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला नंबर पर जैसे परिवार और मित्र होता है, दूसरा नंबर पर भोजन, कह रहे कि परिवार मित्र है, खाना तो होगा, पीना तो होगा, फिर घर की बात है, फिर यात्रा कहीं जाते हैं उसकी बात है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तब अल्लग अलग वस्तुओं की बात है। तो ये श्री वाली बात जो उसको याद रखिए, है ना। फिर उसके बाद में उपथीम में है काम और खेल, है ना। क्या हो जाएगा इसमें? काम और खेल, थीम और उपथीम की बात हो गया। और उसके जानवर और पौधा, यह हमारा क्या हो गया? थीम और उपथीम को हमको इस तरह से हम इसे बांट सकते हैं कि थीम में परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और उपथीम में हो जाएगा आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधा, ये सब सारा चीज़ हमारा उपथीम में आ गया। तो थीम उपथीम को बिल्कुल याद रखेंगे, बोल देगा कि इनमें से बताइए कौन सा थीम है, कौन सा उपथीम है, कह देगा कौन सा थीम उपथीम है, जो अब ऐसे में ही कह देगा कि कौन सा थीम उपथीम में नहीं है।
को हिसाब से याद रखिए। फिर कहता है, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस लाइन से समझिए, कोई छोटा बच्चा है, वो अपने आसपास पड़ोस से लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। कहने का मतलब, हम जैसे जैसे बच्चों के बीच में जाते हैं, वैसे वैसे वो हमारा क्या करता है, अवलोकन करता रहता है।